हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप अपने प्लांट में आप खाद ज़रूर डालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि खाद की भी एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं होती है? तो इसके बारे में आइए जानते हैं। आप अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप प्लांट में आप खाद बनाते हैं, और कभी कभी आप मार्केट से भी खाद लाते हैं। तो क्या आपको पता है कि खाद की भी एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं? तो आइए जानते हैं कि प्लांट अच्छी ग्रोथ के लिए फूल अच्छे से, फूलों का विकास के लिए, फल के विकास के लिए आप प्लांट में खाद डालते हैं। जो बाज़ार से लाते हैं आप खाद, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और जो आप घर में ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं तो वो भी आप खाद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी सोचा है जो हम लोग और भी मार्केट से सारा सामान लाते हैं उस पर एक्सपायरी डेट दिया रहता है, तो क्या खाद की एक्सपायरी डेट होती है? तो इसके बारे में बताते हैं। खाद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बस उसको आप कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जब स्टोर करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तभी आपके प्लांट में वो खाद अच्छे से काम करेगी। तो एक्सपायरी डेट तो नहीं होती है खाद की, लेकिन आप खाद को उसको खुले में नहीं रखना है। आप जब भी खाद इस्तेमाल करें, उसके बाद जो बच गई खाद होती है उसको सील पैक कर दीजिए। उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए, ना नमी आनी चाहिए, ना हवा लगनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी हवा रहती है और थोड़ी सी नमी पहुंच जाती है तो वो खाद एकदम हवा के संपर्क में आकर वो खाद पत्थर की जैसी बन जाती है। तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। अगर वो पत्थर जैसी खाद बन गई है तो उतना असर नहीं करेगा जितना रिफ्रेश खाद आप लाते हैं। तो बस आपको यही करना है, उसको पानी से बचा के रखें, सीवन से बचा के रखें, और उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हवा से। तो आप उसको अच्छे से पैक करके रख दें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। तो इन बातों से आप अपने प्लांट को अच्छी खाद कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिना एक्सपायरी डेट तो उसमें कुछ होती नहीं है, बस अगर हवा लग जाएगी और नमी आ जाएगी तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि तब वो पत्थर की जैसी होगी। तो पत्थर की जैसे होगी तो वो पौधों को आप उसमें डालते हैं तो पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी, ना ही अच्छे फूल खिलेंगे। तो बस ये करना है आपको, मार्केट से लाई हुई खाद आपको अच्छे से स्टोर करना है, उसको बरसात के दिनों में ज़्यादा बचा के रखना है, पानी के सीधे संपर्क में ना आए, खुला ना रखें, उसको पैकेट बंद करके आप इसको सील करके रख दीजिए, तब भी आपकी खाद ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चलेगी। और इस तरीके से खाद आप देख रेख में बहुत दिनों तक आप वो अपनी खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे फल के लिए, अच्छे फूल के लिए भी। तो इस तरीके से अपने खाद को स्टोर करके रखना है, पूरा सील बंद करके, उसको नमी के संपर्क में नहीं आए। खासकर बरसात में ये आप काम कर सकते हैं, स्टोर करके खाद आप ज़्यादा दिनों तक ना रखें, जितना भी यूज़ करें उतनी ही खाद लाएं जितना यूज़ करें। अगर आपके पास बच जाती है तो इसको पानी, नमी और हवा से बचा के रखें, इसको सील पैक कर दीजिए जब तक दोबारा खाद आप ना डालें। तो इस तरीके से आप जान गए होंगे कि खाद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनों का और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।